हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टेडियम में स्वागत करता हूं। क्लास ट्वेल्थ के बच्चे पढ़ रहे थे फिजिक्स, जिसमें से आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले लेक्चर में, और वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे इसमें, अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो है क्या, अभी तक आपने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं यदि क्या हो, अनेक बिंदु आवेश हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे एक ये बिंदु दिया गया है आपको पी, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4 n तक दिए गए, तो इसकी कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस कारण इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो यदि ये सभी हम धन आवेश मान लें तो इसके क्या होगी, इसके कारण ऐसे होगी, इस वाले के कारण इसकी दिशा ऐसे होगी, क्योंकि धन आवेश से आपने पढ़ा है कि धन आवेश से दूर की ओर होती है, इसके कारण ऐसे होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब पहले के कारण E1, E के कारण इसमें Q1 के कारण, Q2 के कारण ये होगी E2, Q3 के कारण ये हो जाएगी E3, और N के कारण हो जाएगी ये EN। इस प्रकार अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब देखो हम करेंगे क्या, माना कि ये क्या है, तो इनकी जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रताएं होती हैं, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो इन सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के, उस बिंदु पर उत्पन्न सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं, सदिश योग के। परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सदिश योग के उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। बात समझ रहे हैं, मतलब क्या होगा, कैसे लिखेंगे डिफिनीशन, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। किसी बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनकी अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश के योग के बराबर होती है। लिखिए अब इसमें थ्योरी में हेडिंग है आपकी, किसी अनेक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, अतः
किसी बिंदु पर उत्पन्न किसी बिंदु पर अनेक आवेशों, अतः किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न लिख लो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यदि किसी बिंदु पर पैराग्राफ चेंज करके लिखना Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q n आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों द्वारा उत्पन्न Q1, Q2, Q3, आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः वेक्टर E1, E2, E3, E1, E2, E3, वेक्टर EN हो तब उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर यह फिगर बना लो यदि बनाना चाहो, कोई कंपलसरी नहीं है, इसको बना लीजिए। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा हम लोग केमिस्ट्री में चलेंगे, रसायन विज्ञान में। जैसे कि आप देखते हैं HCl, तो आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें क्या होता है, H पर प्लस होता है चार्ज और Cl पर जो होता है वो माइनस चार्ज होता है, क्लियर। जैसे CO2 की बात करें तो कार्बन पर आपको पता है कि क्या होते हैं, ये CO2 हो गया। इसमें देख रहे हैं कि दो समान प्रकार के आवेश हैं, मतलब इस पर भी +1 है, इस पर -1 है।
तो समान प्रकार के हैं, जितना स्पर्श चार्ज है उतना स्पर्श चार्ज है, लेकिन प्रकृति दोनों की क्या है, विपरीत है। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, दूरी क्या होगी, बहुत अल्प, मतलब क्या होगा, दो आवेश होंगे, एक प्लस है तो एक माइनस है, मतलब परिमाण समान है, ये पाँच होगा तो ये पाँच ही होगा, ये अगर दस ई है तो ये भी दस ही होगा, कितना भी हो लेकिन होगा कितना, क्या समान होंगे, दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के, प्रकृतियाँ इनकी विपरीत होंगी, एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान, दोनों समान हैं किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब ये L और L आधा आधा क्यों माना गया है, क्योंकि इनकी दूरी को आधा करके आपको आगे डेरिवेशन सॉल्व करने होंगे। तो यदि हम L मानते पूरी दूरी तो L/2 करना पड़ता, तो थोड़ा कैलकुलेशन जटिल हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो जब 2L पूरी दूरी मानेंगे, पूरी दूरी कितनी है, 2L है, तो 2L जब पूरी दूरी मानेंगे तो इसका आधा करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा L और L हो जाएगा, समझ गए। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, लिखिए वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान, जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के, जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्लियर। अब देखो इसी में बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो यदि हम इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लें, मतलब चिन्ह से कोई मतलब नहीं, परिमाण से मतलब, तो कोई एक ले लें, क्योंकि इसका जितना मान होगा उतना इसका मान होगा, अगर इसका 50 कूलाम है तो ये भी 50 कूलाम होगा, तो हम चाहे एक दो में से कोई ले लें, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लें, दोनों के बीच की दूरी ले लें और इनका हम गुणनफल निकालें, तो यही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, क्लियर। तो पहले तो वैद्युत द्विध्रुव में ये फिगर बना लो, चित्र बना लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव में ये चित्र बना लीजिए, इसमें है आप चित्र बना लीजिए, इसके बाद हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या ऐसे ही लिख लो इन्वर्टेड कॉमों में, चित्र बनाने के बाद नीचे इन्वर्टेड कॉमों में लिखिए दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं,
इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके फार्मूला नोट कर लो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्यू इंटू टू एल। या इसी को Q इंटू टू एल हो गया, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2QL, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो इसके हम लोग मात्रक की यदि बात करें तो इसके मात्रक में ये है दूरी और ये है आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम मीटर आ गया इसका आंसर। इसके बाद इसकी विमा की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा की बात करें तो आवेश की विमा होती है AT और लंब दूरी की होती है L, तो इसको लिख सकते हैं LTA, LAT भी लिख सकते हैं, समझ गए? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आवेश दोनों में से कोई एक लेंगे Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 2L, इतने कूलाम मीटर, तो P बराबर हो गया 2QL। इसके बाद बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा की, तो ये होगी आवेश की विमा। आवेश की विमा होती है AT और दूरी की होती है L, तो L को हम लोगों ने क्या किया, पहले लिख लिया, तो ये हो गया LTA। ये इस प्रकार हो गया। अब देखो इसके बाद बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, जिसकी दिशा धन आवेश से, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब इस टाइप से इसकी डायरेक्शन होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, तो इसकी भी कई स्थितियां होती हैं। अच्छी स्थिति होती है, निरच्छी स्थिति होती है, और किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। तो लिखिए इसके आगे हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखिए इसकी तीन स्थितियां हैं, इसकी तीन स्थितियां हैं, जिन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है, जिन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। को नंबर एक, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा लिखिए निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। नंबर तीन, वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब नंबर एक हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण हम लोग को निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, देखो जैसे थ्योरी बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, जैसे समझा रहे हैं वो सेम वैसे ही थ्योरी चलेगी। तो मान लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, पहला पॉइंट। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है या माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जो गया है वो यही क्वेश्चन है, यही प्रश्न है। तो ध्यान से समझिएगा, इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। एल ये आधी हो गई और एल ये आधी हो गई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, क्या हो गया, मध्य बिंदु है ओ, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से इसकी अच्छी स्थिति में, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्मॉल आर मीटर की दूरी पर
एक बिंदु P है। माना फिर से देखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक K है। परावर्तांक क्या होता है समझा चुके हैं। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो प्लस आवेश है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा हमने बताया था प्लस से दूर की ओर होती है क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, तो जहां से निकलेंगी तो वहां से दूर की ओर जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो जो धन आवेश की दिशा होती है, जो बल रेखाओं की दिशा होती है, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो यहां से ये धन आवेश है तो यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे दूर भागेंगी, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे क्या होगी, दूर होगी, बाहर की ओर होगी, मतलब बी से पी की ओर, बीपी के अंदर बी से ही निकलेंगी, माइनस है बी से निकलेंगी इस तरह। और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, मतलब ऋण आवेश की ओर आती हैं, और जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरफ आ रही हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इस तरफ होगी, मतलब पी से ए की ओर, पी ए के अनुदिश। क्यू के कारण कहाँ, इस तरफ। तो क्यू के कारण अगर ई वन मान लें तो ई वन तो इस तरफ होगा और ई टू इस तरफ होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, एक बार फिर इतना देख लो, तो पहले इतना लिख लो फिर उसके बाद बात करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस ज्ञात करनी है। अब प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, क्योंकि प्लस क्या करता है, प्लस से क्या होती है, बल रेखाएं निकलती हैं तो दूर जाती है, और माइनस की ओर आती हैं तो पी से डायरेक्शन क्या होगा, माइनस की ओर, मतलब माइनस क्यू की ओर। इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ई वन माना तो ई वन की दिशा बाहर की ओर, और ई टू को अगर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू मानी तो इस टू के कारण इस तरफ। क्लियर, तो ये हो गया। तो लिखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, मानक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है, मानक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद ये फिगर बना लीजिए।
क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब देखो निकालेंगे प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण। इधर लिखे दे रहे हैं प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, यहाँ लिखे दे रहे हैं ई बराबर। देखो ई बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण आप लोगों ने पढ़ा था 1/4π ε₀ के q/r². अब यदि हम यहाँ से दूरी लें, यहाँ से पूरी दूरी है r, इतनी दूरी है L, और हमें यहाँ से लेना है, तो यहाँ से जब लेंगे तो ये दूरी घटा दें, तो ये पूरी में से ये इतनी हटा दें, तो पूरी थी R, R में से L हटाया तो ये बचेगा R-L। अच्छा जब यहाँ से लेंगे इससे तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ तक है R, और यहाँ तक लेंगे तो ये L और एड हो जाएगा, तो R ये और L ए, तो ये हो जाएगी R+L। हमने फार्मूला पढ़ा है ई बराबर 1/4π ε₀ के q/r², तो E1 हो जाएगा 1/4π ε₀ के q/r² होता है, r मतलब दूरी, दूरी यहाँ पे कितनी है r-l, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा इसकी लिखेंगे तो इसके आगे इस तरफ लिख लेना ए बी से पी की ओर ऐसे जा रही है ना, तो बीपी के अनुदिश इधर लिखना इसके आगे ऐसे ब्रैकेट करके। अब निकालेंगे किसके कारण, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु पी पर कूलाम आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी कारण निकालेंगे E2। फार्मूला वही 1/4π ε₀ के q/r² माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, ये केवल दिशा इसमें बता रहा है, ऐसे इसमें प्लस नहीं लिया गया, प्लस लो या ना लो माइनस नहीं लेंगे, केवल दिशा बताएगा, तो अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर मतलब दूरी, तो माइनस से पी की जो दूरी है, माइनस क्यू से पी की दूरी वो कितनी है r+l, तो यहाँ हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। और अब दिशा क्या है, अब देख रहे हैं पी से ए की ओर आ रहा है, मतलब पी ए के अनुदिश सदिश राशियों में होता क्या है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है सदिश विश्लेषण में, कि यदि सदिश राशियों की दिशा सेम है तो आपस में जुड़ जाती हैं, और यदि सदिश राशियों की दिशा क्या है विपरीत है तो आपस में घट जाएंगी, तो दोनों की दिशाएं आपको क्या दिख रही हैं, E1 और E2 की विपरीत दिख रही हैं, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E1-E2। तो लिखेंगे इसके बाद अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो रटना नहीं है, केवल समझना है क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, क्यों घट रही है, घटेंगे क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है विपरीत हैं, तो तीव्रता E बराबर जो होगा वो होगा E1-E2। अब E1 का मान रखेंगे तो E1 आपको दे रहा था 1/4π ε₀ के q/r², r की जगह ये दे रहा है पूरा,
फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ई टू, ई टू की जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह की कितना दे रहा है, ये पूरा रख देंगे आर प्लस एल का स्क्वायर, ई वन की जगह ये पूरा उठा के रख दिया, माइनस लगाया, ई टू की जगह ये ई टू का मान रख दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन देख रहे हैं दोनों में है वन अपॉन फोर पाइप साइलेंट जीरो के इसमें भी है, वन अपॉन फोर पाइप साइलेंट जीरो के इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, ये चेंज है, ये आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, तो ये चेंज है, तो कॉमन जो है उसको ले लेंगे वन अपॉन फोर पाइप साइलेंट जीरो के क्यू, इतना कॉमन लेगा, ये भी पूरा हट गया, ये क्यू भी हट गया, तो बचेगा वन अपॉन, ये बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा हट गया, क्या बचेगा, ये भी हट गया, ये बचेगा वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको इतना नोट कर लो, तो फिर हम ऊपर वाला रब कर दें, फिर आगे इसके बाद बताएं। देखो इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे, ये ऐसे लिख देंगे, E इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के Q, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस बीच में लगा है, माइनस लगा दिया, R माइनस L के होल स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, इसके बाद इसको करेंगे इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के Q अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे R माइनस L R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, B स्क्वायर तो L का स्क्वायर, प्लस 2AB तो 2RL, माइनस लगाया तो ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, यह हो गया। इसके बाद ए इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, और आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह आर है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू आर एल, क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्या कि ये कैंसिल हो रहे हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो ई इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू, दो और दो हो जाएंगे चार आर एल, अच्छा चार आर एल को लिख सकते हैं, चार आर एल को आप लिख सकते हैं टू एल इंटू टू आर, अभी भी गुणा करेंगे दो दूनी चार आर और एल, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं चार आर एल को जो इनको जोड़ने पे आएगा दो दो चार आर एल, तो उसको लिख सकते हैं टू एल इंटू टू आर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह हो गया। अब आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आज की क्लास में, क्यू पी बराबर क्यू इंटू टू एल, तो ये जो होता है चूंकि पी बराबर क्यू इंटू टू एल, अतः ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू टू एल की जगह रख देंगे पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर,
इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो उसमें जगह है वो तो लिख लो एग्जाम्पल पहले। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, उसी के नीचे केवल उदाहरण डाल के लिख लो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण में। जो वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग थी उसमें उदाहरण नहीं लिखा है, भूल गए तो वो लिख लो, या चित्र जो बनाया था उसके बगल में लिख लो, कहीं लिख सकते हो। लिख लीजिए HCl H2O मतलब जल, NH3 CH4 इत्यादि। अब देखो जैसे बात की जाए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु या जल का एक अणु H2O। अब जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही कम होती है, और उस जल की बूंद से हम कुछ दूरी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु मतलब बूंद इतनी छोटी होगी, लगभग एक जो कण होगा और छोटा होगा उसकी दूरी, उसके बीच की जो दूरी होंगे कण उनकी बीच की दूरी की अपेक्षा ये वाली दूरी क्या है, बहुत बड़ी है, और ये वाली दूरी जो है वो क्या है, 2L है, सॉरी ये वाली दूरी क्या है, R है, और इनके बीच की दूरी क्या है, इसी के बीच की दूरी वो 2L है, और 2L का भी आधा मतलब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के बीच की दूरी 2L, 2L का आधा हो गया L, तो जब R की तुलना में 2L छोटा है तो R की तुलना में L तो क्या होगा, और भी छोटा होगा, तो मतलब R क्या है, L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो चूंकि R इज वेरी ग्रेटर देन मतलब बहुत बड़ा है किससे, L से, अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेने पर, इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, क्लियर, इसको जब नगण्य मान लेंगे तो E बराबर जो आएगा 1/4πε0 के P इंटू या 2πr अपॉन L स्क्वायर हट गया तो R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की घात 4, इतने न्यूटन प्रति कूलम। R ऊपर एक नीचे घात 4, तो इससे एक घात कम हो जाएगी तो कितनी बचेंगी, 3 घात, इधर लिखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, यहाँ पे 2p r में से एक r कम हो गया, इससे यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ एक भी नहीं बचेगा, तो ऊपर बचेगा 2p और नीचे बचेगा r क्यूब, तो 2p अपॉन r क्यूब इतने न्यूटन प्रति कूलम, एक तो फार्मूला ये बन गया। अब इसमें यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तब k बराबर 1, अतः E बराबर 1/4πε0, k की जगह 1 रखेंगे, इसमें गुणा कराएंगे इतना ही आएगा, 2p अपॉन r क्यूब इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया इसका आंसर इस प्रकार। तो इसको नोट कर लीजिए, यदि थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, नोट कीजिए।